प्रथम कूट, प्रथम कूट प्रथम कूट तथा प्रथम घात की तथा प्रथम घात की घात की अवकल समीकरण अवकल समीकरण। देखिए अवकल समीकरण क्या है, अवकल समीकरण स्वतंत्र चर हो प्रतंत्र चर हो और चर के अवकल गुणांक हो, इन सबको प्रतिबंधित करने पर जो समीकरण बनता है उसे कहते हैं अवकल समीकरण। तो इसे लिखा जा सकता है x प्लस वाई dx of y plus d square y dx square is equal to 0। यह देखिए x y है और y के अवकल समीकरण गुणांक, इसे हम कहेंगे अवकल समीकरण। अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण अवकल समीकरण, साधारण सिंपल अवकल समीकरण, जिस अवकल समीकरण में केवल एक चर से आधारित होता है, जैसे x y d d x y d square y d x square, को कहते हैं साधारण अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण इसमें दो चरों से डेल एक्स डेल वाई डेल यू प्लस डेल वाई डेल यू इज इक्वल टू 3, इसे कहते हैं आंशिक अवकल सूचकांक, आंशिक अवकल सूचकांक या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर तथा आंशिक अवकल गुणांक होते हैं। यह है आपका साधारण अवकल गुणांक और आंशिक अवकल गुणांक। अवकल समीकरण की कोड अवकल समीकरण की कोड अवकल समीकरण की कोड देखिए अवकल गुणांक की कोट, इसमें अवकल गुणांक की जो कोट होती है वही अवकल समीकरण की कोट होती है। जैसे यहाँ पर अवकल गुणांक की कोट भी है 2, तो अवकल समीकरण की कोट क्या हो जाएगी, ठीक है। अब घात देखिए अवकल समीकरण का घात, अवकल समीकरण का घात किसी समीकरण में जिसकी हम कोट देखते हैं उस पर जो घात होता है वही अवकल समीकरण का घात होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण की कोट 2 है, इसी का घात देखेंगे तो इसका घात क्या है, 1। अवकल समीकरण की कोट हुआ और अवकल समीकरण का घात। अब कुछ क्वेश्चन हम देंगे उसमें ज्ञात किया जाएगा कि इसमें अवकल समीकरण की कोट क्या है।
4.1 का फर्स्ट डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 5y प्लस 5y इक्वल टू जीरो। अब देखिए सबसे पहले अवकल समीकरण की कोटि हम देखेंगे। यह देखिए ये 3 है, इसकी कोटि हो जाएगी 3, कोटि का हो गई 3 हो गई। और इसी का घात देखेंगे, और इस पर देखिए पावर घात क्या है 1 है, इसका घात हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इसकी कोटि और घात हमको निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ये वन पावर में क्या हो जाएगा 2+1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखेंगे कि यह 2 की कोट क्या है 2, अवकल समीकरण की कोट क्या हो जाएगी, देखिए इसको देखते हैं। तो अवकल समीकरण की कोट हो गई 2, और इसी का हम घात देखते हैं तो घात भी है 2, इसकी कोट और घात दोनों हो गया। थर्ड देखिए, x स्क्वायर डी क्यू वाई डी एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ वाई 5 प्लस वाई पर 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हम देखते हैं डी क्यूब वाई डी एक्स क्यू है या डी डी एक्स ऑफ वाई है, उच्चतम क्रम का हम देखें कोट का क्या होगा, उच्चतम का क्यू वाला है, इसलिए इसकी कोट हो जाएगी 3। अब इसी का घात भी हम देखेंगे, अब इसका घात देखिए 5 है, लेकिन इसका घात हम नहीं देखेंगे, घात किसका देखेंगे, जिसकी कोट देखते हैं उसी का हम घात भी देखते हैं, इसका घात है 2, इसकी कोटि हो गई 3, आघात हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइव डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1+1+ डी डी एक्स वन प्लस डी डी एस एफ वाई का हो पावर सी टू दी पावर। अब यहाँ पर देखिए 3/2, इसको हम पूर्णांक बनाते हैं,
तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर हम कर दें ये हो जाएगा 25 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे जब तो टू टू कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 ये दो क्रम का है और यह एक इसकी क्या हो जाएगी कोटि हो जाएगी 2 कोटि हो गई 2 और इसका घात क्या हो जाएगा घात भी 2 हो जाएगा। इसका नहीं देंगे इसका 3 है लेकिन देखेंगे इसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है डी एक्स स्क्वायर क्यूब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये अंडर रूट में है इसको अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई दोनों तरफ का हमने वर्क कर दिया अंडर रूट आपका हट जाएगा। वर्क कैसे करते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 4 इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ देखिए ये दो है दो ऑर्डर का 2 इसकी कोटि हो जाएगी 2 अब देखिए इसकी कोटि देखी जाती है उसी का घात भले यह बड़ा है 3 लेकिन इसी का देखा जाएगा और बड़ा है 3 से यह हो जाएगा 4। यह रहा है आपका कोटि और घात जिसकी कोट देखते हैं उसी का हम घात भी देखते हैं ठीक है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे ध्यान से देखिए अब इन पर आधारित हम क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b y इज इक्वल टू a cos x प्लस b a cos x प्लस a cos x प्लस b संगत अवकल समीकरण ज्ञात करना है। इसका हमको संगत अवकल समीकरण ज्ञात करना है जहाँ a और b कांस्टेंट है। संगत अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए दिए हुए समीकरण में जो कांस्टेंट पद है उसको हम निकाल देते हैं ऐसे नहीं करेगा अवकलन करने पर। इसका हम अवकलन कर रहे हैं देखिए d dx of y इज इक्वल टू a cos का अवकल गुणांक माइनस होता है ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस फिर एक्स का करेंगे तो वह हो जाएगा वन। यह रहा है आपका डी डी एक्स ऑफ वन इक्वेशन 1 मिल गया यह 1 था यह हो गया। अब देखिए अभी इससे निकल नहीं सकता है तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा आपका डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन का कॉस होता है कॉस एक्स प्लस अब यहां देखिए ए कॉस एक्स प्लस बी बराबर है वाई तो यहाँ ए कॉस एक्स प्लस बी के जगह पर हम लिख लेंगे वाई यह हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो यही आपका संगत अवकल समीकरण है। संगत अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अचर पद हैं ए और बी उनको रिमूव करते हैं समीकरण बना करके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ए कॉस एन टी प्लस ई फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस ई एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस ई एन टी प्लस ए अब इसको टी के सापेक्ष निकाल दें डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस का होता है माइनस साइन एन टी ए का हो जाएगा जी स्टार्ट किया जाए डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन का होता है कॉस कॉस एन टी अब फिर एन का करेंगे तो एन हो जाएगा यह हो गया आपका डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन टी कॉस का होता है साइन साइन एन टी और देखिए ए साइन एन टी बराबर है आपका डी डी एक्स ऑफ टी ये हो जाएगा आपका डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर है यहाँ भी माइनस ए है ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर डी एक्स डी डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स ठीक है। ध्यान से देखिए कॉस का माइनस साइन एन टी साइन एन टी का कॉस एन टी होगा अब कॉस एन टी बराबर होता है
अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सरल आवर्त गति व्यापक समीकरण y बराबर a cos ओमेगा t a sin ओमेगा x a sin ओमेगा t plus 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5। अब भाई टी के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, देखिए टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी टी ऑफ वाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी का वाई के सापेक्ष अवकल गुणांक हम ज्ञात करते हैं। यह हो जाएगा आपका ए, साइन का होता है का ओमेगा टी प्लस 5, फिर हम ओमेगा टी प्लस 5 का करते हैं तो ओमेगा टी टी का 1 हो जाएगा, यह बचेगा आपका ओमेगा। अब पुनः इसका हम करते हैं, पुनः टी के सापेक्ष डी टी स्क्वायर, ये है, ये है आपका ओमेगा, यहाँ आ जाएगा कॉस का होता है माइनस, यहाँ माइनस लिख लीजिए तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो आ जाएगा आपका ओमेगा, यह हो जाएगा ओमेगा, यह हुआ है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां ध्यान से देखिए ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 यहां भी है, अब इसके जगह पर वाई रख दें हम तो जितने आपके कांस्टेंट पर है सब खत्म हो जाएगा, लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए कोशिश हम करते हैं कि जो भी कांस्टेंट पद हैं उनको हम रिमूव कर दें, तरीका यह है एक बार दो बार तीन बार उसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के बाद उसको हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका ए और फाइव दोनों कांस्टेंट थे, दोनों रिमूव हो गए तो डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए, क्वेश्चन फोर्थ है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज इक्वल टू a e2x a e2x
प्लस बी ई माइनस टू एक्स, ए ई टू एक्स प्लस बी ई माइनस टू एक्स। अब इसमें से हमको ए और बी को रिमूव करना है, एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए ई टू एक्स। ई एक्स का ई एक्स होता है, ई टू एक्स का हो गया ई टू दी पावर टू एक्स। अब फिर टू एक्स का करते हैं तो यहाँ आ जाएगा टू प्लस बी ई माइनस टू एक्स, ई टू एक्स का ई माइनस टू एक्स। अब फिर टू एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये आपका आ जाएगा टू ए ई टू एक्स माइनस टू बी ई माइनस टू एक्स। ठीक है, ये डी बी एक्स ऑफ वाई का अवकल गुणांक हो गया। अब आइए इसका पुनः अवकलन करें, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करने अब डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, डी टू वाई डी टू वाई डी एक्स इक्वल टू टू ए ई टू दी पावर टू एक्स। अब फिर टू एक्स का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू माइनस टू बी ई माइनस टू एक्स। फिर माइनस टू एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये हो गया टू इंटू टू फोर हो गया। अगर फोर हम कॉमन ले लें ये आ जाएगा आपका ए ई टू एक्स माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये हुआ प्लस बी ई माइनस टू एक्स। यहाँ पर देखिए ए ई टू एक्स प्लस बी ई माइनस टू एक्स की वैल्यू है वाई, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, या माइनस फोर वाई इज इक्वल टू। ये रहा है आपका क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन हमने किया, यह आ जाएगा ए ई टू एक्स प्लस बी ई माइनस टू एक्स। अब माइनस टू एक्स का किया तो माइनस टू है, टू ए टू एक्स माइनस टू बी ई माइनस टू एक्स। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन हम कर रहे हैं, देखिए पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए टू एक्स, टू एक्स का टू माइनस टू बी ई माइनस टू एक्स का ई माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स का हो गया माइनस टू इंटू टू फोर को कॉमन ले लिया तो यह आ गया आपका फोर ए ई टू एक्स प्लस बी ई माइनस टू एक्स। फोर को कॉमन लेने पर यह हमारा वाई की वैल्यू आ गया तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई। यह है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट पार्ट देखिए।
x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, का इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है, इसको संगत अवकल समीकरण में बदलना है तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, 2x प्लस 2y, y का फिर करेंगे तो हो जाएगा d dx ऑफ y, ये कांस्टेंट है इसका अवकल गुणांक हो गया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया सबको, ये हो जाएगा x प्लस y d dx ऑफ y इज इक्वल टू d, देखिए x स्क्वायर का हो गया 2x, y स्क्वायर का 2y और y का d dx ऑफ y, उसे हम इसको डिवाइड कर दिए तो x plus y d dx ऑफ y इक्वल टू, इसका सेकंड पार्ट देखिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये सेम क्वेश्चन है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का माइनस 2y, y का हो जाएगा d dx ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट है 0, ये रहा 2 से डिवाइड करने पर x माइनस y d dx of y equal to, यहाँ पर केवल a स्क्वायर एक कांस्टेंट है उसको रिमूव हमने कर दिया तो आ गया x माइनस y d dx of y equal to, थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अब फिर इसका भी x के सापेक्ष हम अवकल गुणांक की 2y d dx ऑफ y इज इक्वल टू 4ax का हो जाएगा y, x का देखिए हो जाएगा, फिर a आ गया, इसका पूरा अवकल गुणांक कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करने 2 तो कांस्टेंट है, यह देखिए प्रथम फलन यह हो जाएगा y, इसका अवकल गुणांक हो जाएगा d2y dx2 प्लस द्वितीय फलन है आपका d dx ऑफ y, और y का करेंगे तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू 4 एक कांस्टेंट है और उसका मान आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं आप 2y d स्क्वायर y, टू को कैंसिल कर दीजिए तो y d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस d dx ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल टू y d स्क्वायर y y स्क्वायर इक्वल टू 4 ये थर्ड क्वेश्चन,
ये हो गया वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू ए वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू ए ठीक है। इस तरफ इसको कर सकते हैं, यहां से देखिए 4a 4a इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो 2a की जगह पर हम लिख सकते हैं 2a की जगह पर लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन x इंटू वन बाई टू, इंप्लाई दैट 2xy 2xy ddx ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर। y दोनों तरफ में काट दीजिए तो 2 x ddx ऑफ y इज इक्वल टू y, ये भी लिखा जा सकता है 2x ddx ऑफ y 2x ddx ऑफ y इज इक्वल टू y, दोनों हो जाएंगे, बेस्ट तरीका वही है। अब देखिए 8 का जो फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a cos y इज इक्वल टू a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर b sin x स्क्वायर ठीक है, a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसका कैसे किया जाता है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां देखिए a और b कांस्टेंट पद है, इनको हटाना है हमें, तो सबसे पहले क्या किया x के सापेक्ष अवकलन किया तो d dx ऑफ इक्वल टू ए कॉस का होता है आपका साइन, कॉस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस b, साइन का होता है cos, इसे लिखेंगे cos x स्क्वायर, x स्क्वायर का हो जाएगा 2। अब देखिए 2x सब में कॉमन है, यह रहा है आपका
2x माइनस e साइन x स्क्वायर प्लस b cos x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए टू फंक्शन हो, दो फर्क x और y, तो पुनः x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा आपका डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। टू एक्स को फर्स्ट मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस ई कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका टू एक्स। कॉस का होता है माइनस, तो माइनस बी साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका टू एक्स प्लस माइनस ए कॉस एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर। द्वितीय फलन प्रथम का अवकल गुणांक और टू एक्स का अवकल गुणांक निकालेंगे तो यह हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इन मानों में, इन मानों को हम रख रहे हैं। यहाँ देखिए 2x और 2x ये दोनों है, तो हमने 2x को कॉमन ले लिया और माइनस को, यह हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए प्लस टू माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर, ए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका वन। यहाँ हमने लिख लिया बी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर, माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी का एक्स स्क्वायर, टू को भी मान लीजिए, यह होगा यहाँ से देखिए टू माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान एक्स डी डी एक्स ऑफ वन। अब इसकी जगह को हम लिख लेंगे प्लस वन अपान एक्स डी डी एक्स ऑफ। अब यहाँ देखिए एक्स से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें यह हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स क्यूब वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वन। या इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ये। फिर से देखिए y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स स्क्वायर
प्लस बी इसका ही एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन है। एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो डी डी एक्स ऑफ वाई ए कॉस का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस बी साइन का कॉस होता है तो कॉस एक्स स्क्वायर का टू एक्स कहाँ लेने पर माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर या टू माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान से देखिए इसका हम अवकलन कर रहे हैं तो दो फलन है, दो फलनों का अवकलन होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकल गुणा, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकल गुणा। तो 2x a sin का होता है cos x स्क्वायर का 2x cos का sin माइनस sin माइनस b sin x स्क्वायर का 2x, द्वितीय फलन 2x का हो गया 2। यहाँ हमने 2x को कॉमन ले लिया तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर ए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर टू माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसकी वैल्यू वाई है तो हमने इसको रख दिया माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाला है वन अपॉन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई या एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। आपका अवकलन गुणांक है, ठीक है। प्रॉब्लम